अभी अभी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को लेकर कोर्ट से आई बड़ी खबर। 28 फरवरी को आ सकते हैं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल से बाहर। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधानसभा में खड़े होकर भाजपा पर गरजते हुए नजर आए। उन्होंने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव को जीत लिया। उस भाषण में अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का भी जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मनीष सिसोदिया इतने अच्छे काम करने के बाद भी, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था सही करने के बाद भी जेल के भीतर हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी को बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी नहीं देख पाई। मनीष सिसोदिया के द्वारा किए गए काम से भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर था, इसलिए मनीष सिसोदिया को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन केजरीवाल के इस भाषण के बीच रॉज एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 28 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है। अब यह हो सकता है कि 28 फरवरी को मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल से बाहर आ जाएं। जी हां, आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया पिछले एक साल से जेल के भीतर हैं। पिछले साल फरवरी के महीने में ही उन्हें ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तब से अभी तक मनीष सिसोदिया जेल के अंदर ही हैं। वहीं संजय सिंह पिछले 6 महीने से जेल के भीतर हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 28 फरवरी को मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को कोर्ट की तरफ से जमानत मिलती है या नहीं, क्योंकि रॉज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की हिरासत 28 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है। अगर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल से बाहर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव लड़ने में काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि केजरीवाल के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड माने जाने वाले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के वैसे नेता में गिने जाते थे जिनकी पहचान लोगों के बीच जबरदस्त तरीके से थी। ऐसे में अगर जेल से बाहर आकर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करते हुए दिखाई देते हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिल सकता है। फिलहाल ये तो आने वाले वक्त पर पता चलेगा कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह आने वाले 28 फरवरी को जेल से रिहा हो पाते हैं या नहीं। लेकिन तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ लॉकर। आपके लिए न्यूज़ रूम से अमन बर्डियार की रिपोर्ट।